शहर के वाड़ी विस्तार में आए हुए मोहम्मद तालाब में एक स्थानीय युवक पानी में गरकाव होने के बाद लापता बनते हुए फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा युवक को तलाशते हुए छानबीन जारी की गई थी। शहर के वाड़े स्थित आए हुए मोहम्मद तालाब में आज एक नौजवान युवक लापता बनने की खबर के साथ पुलिस तंत्र और फायर ब्रिगेड में भगदड़ मची थी। मिली जानकारी के आधार पर शहर के वाड़े स्थित मोहम्मद तालाब के पास आए हुए बूढ़ा मकान के 7 नंबर के टावर में रहता 25 वर्षीय योगेश जयंती राठौड़ आज सुबह रोजाना की तरह अपने घर पर चाय नाश्ता करने के बाद नीचे उतरा था, जहां तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे तालाब के अंदर चलकर क्रॉस करने के दौरान वो अचानक से पानी में गरकाव हुआ, जहां पानी में डूबने के बाद वो पानी में लापता बनने लगा, जहां योगेश राठौड़ ने भारी शोर मचाकर बचाव की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद स्थानिक लोगों को इस बात की जानकारी होते हुए स्थानिक लोगों ने फायर ब्रिगेड को जानकारी दी थी, जहां फायर के जवानों ने बाद स्थल पर पहुंचकर बोट के जरिए पानी में उतरकर लापता बने वैसे युवक योगेश को ढूंढने के लिए कवायद जारी की थी, लेकिन शाम तक युवक का कोई भी अता पता नहीं मिल पाया था। વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ કંટ્રોલ રૂમમાંથી ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશનમાં સવારે 10:15 વાગે જાણકારી મળી વાડી વિસ્તારમાં મોહમ્મદ તળાવમાં કોઈ વ્યક્તિ ડૂબ્યો છે। તરત જ ગાજરાવાડી ફાયર સ્ટેશનથી બચાવ કામગીરીના સાધનો લઈ તળાવ પાસે પહોંચી ગયા। અત્યારે ખ્યાલ ના આવ્યો ના આવડી।